हबीब भाई की मार का एक सभी सर 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 आपका प्यार है, आपका प्यार है, आपका प्यार। माल्टा सिविक लग गई है यार, क्या हुआ था गाड़ी के साथ? फोर्ड एक्टर वाले टायर मार नहीं याद आ रहा, तो फिर ये वाली माल्टा से यार। जब इसके बाद बोनट बंद हो जाए हमारा, तो फिर ये सीन है आपकी लाडली जी वैगन। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है जी आप लोगों का? सब फिट है? आज बॉयज हम लोग आ गए हैं अपनी शरारत के लिए बनवाने पेंट। तो पेंट जो है सरप्राइज रहेगा, पीछे भाई बनाते हैं पेंट को। मैंने पिक्चर्स कुछ चूज़ की हुई हैं, 2-4-5 पेंट हैं जो कि चूज़ किए हैं। तो भाई जिसके ऊपर भी यस कहते हैं कि हाँ जी यार ये हो जाएगा पेंट, तो वो फिर बनवाते हैं और चल के जाके अपनी गाड़ी पे करवाते हैं। तो आपने साथ और ब्लॉग को स्किप नहीं करना, ठीक है? सब खैरियत है सर, पेंट दिखाता हूँ आपको बना के दें। ये बॉयज इसको पहचाने, ये किस गाड़ी का भाई? ये है माल्टा हमारे भाई। भाई क्या नाम है आपका, क्या हाल है? अब्बास भाई क्या हाल है? देखा होगा आपने भाई को यार, टीम 4K के ऊपर इनकी माल्टा सिविक लग गई है यार, क्या हुआ था गाड़ी के साथ? यार फोर्ड एक्टर वाले टायर मार दिए। चलो किसी अच्छी गाड़ी ने मारा, ये तो है मेरानपुर होंगे नहीं वजीना आगे। उसने कुछ कह भी नहीं सकता इंसान। बंदा कहता भाई तुसी जाओ, कोई टेंशन नहीं यार। बस ये उसका पेंट बन रहा है जी माल्टे का, और ये पहले भी यहीं से बना हुआ है। देखें बॉयज ये देखें, ये भाई ने जो चप्पा मारा था अपनी D15 से M18 को, वाया चेक करें आप लोग बस अभी। ओके यार, 3-4 गाड़ियों का वाया यार, ये तो वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, कमाल। तन भाई की सिविक आपने देखी होगी, माल्टा सिविक है जो हमीद ने भी जिसका व्लॉग तो बना रहा है। रिसेंटली M18 का रेस हुई थी ना, तो भाई वो दिखा रहे हैं, तो यहीं से ही सारे पेंट होते हैं मैच। अगर आपने भी मैच करवाना है तो बता देना, मैं आपको इस शॉप पर इनको दे दूंगा। यहाँ से आके आप कोई भी पिक्चर निकालें नेट से और भाई आपको बना देंगे पेंट, बड़ा पेंट था। बस भाई से कहते हैं हमारा पेंट बनाए। नहीं याद आ रहा, तो फिर ये वाली माल्टा सिविक है यार, माशाल्लाह वेरी नाइस। लग नहीं रहा पाकिस्तान की बिल्ड है यार, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। चलो किसी दिन सीन बनाना यार, रिव्यू देना मेरी जान मुझे भी। अगर इसके ऊपर आप देखें तो इसके ऊपर ये शेड पड़ रहा है फ्लैश के साथ, थोड़ा सा ये ऑरेंजिश लग रहा है, जबकि ओरिजिनल में ऑरेंज नहीं है, ज़्यादा गोल्डनिश है। बेस बनवा के ले जाते हैं अस्तर और बेस, और इंशाल्लाह संडे वाले दिन हम मारेंगे गाड़ी को पेंट। टाइमर आ गया है नीचे का, अभी बेस भी नहीं लगनी, अभी इसको लगना अस्तर ही है, पर मैंने आज पेंट बनवा ली है इसका। जाके इसको सामान देते हैं, आज के दिन वो ये प्राइमर वगैरह अप्लाई कर दे, प्राइमर अप्लाई करेगा, कल के दिन हम लगवाएंगे इसको येलो बेस, और परसों इंशाल्लाह गाड़ी को मारेंगे पेंट। वीडियो के एंड में आपको दिखा दूंगा कि कलर किस गाड़ी का कलर जो है हम वो कॉपी कर रहे हैं। तो आपने साथ सीधा पहुँचे हैं वर्कशॉप में, बस हम पहुँच गए वर्कशॉप, सामान इनको दे दिए और गाड़ी इन्होंने मांझी मुंझी हुई है सारी की सारी। ये देखें, लालगंज भी जाना था, जाजिब भी आया हुआ, वो भी वेट कर रहा है, उसके पास भी जाना है। तो बस जल्दी से इसको बेस लगवाते हैं और जाके देखते हैं अपने काम। इस टाइम एनर्जी लेवल्स बड़े लो हो गए हैं यार, पता नहीं क्या वजह, गर्मी है शायद, तो बहरहाल बर्दाश्त करें आप लोग। ये जल्दी से बेस मारते हैं, आपको दिखाते हैं और फिर हम निकलते हैं आगे अपने कामों को साथ रहें। इसकी बेस इस इनर मिक्स की है इसमें, और वो भाई ने बना के रखा हुआ है सामने अपनी गन। बस अभी आने लगे हैं, करने लगे हैं इसको पेंट। इंशाल्लाह हमारी शार्लेट और हमारी करोला जो है वो बूथ के अंदर ही पेंट होगी यार। ये शरारतें शूटें ये कर देते हैं हम ऐसे खुली जगह पे, ज़्यादा इसको आप लोग क्रिटिसाइज़ ना कीजिए कमेंट्स के अंदर, क्या खुली जगह कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो। तो छोटी गाड़ियाँ चल जाती हैं, जैसे ही अपने आपने डेंटिंग के ऊपर इतने पैसे लगाए हैं तो पेंटिंग खुली जगह पर नहीं करेंगे उन गाड़ियों की, उन गाड़ियों की अच्छी जगह पर करेंगे, आपको मज़ा आएगा। ऑन हो गया कंप्रेसर, सुबह से जिस चीज़ का इंतज़ार था वो काम करते हैं यार, बड़ा एनर्जी लेवल डाउन है आ जाते भाई के। आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने के लिए खास यहाँ रुका हुआ भाई, मैंने रोटी भी नहीं खाई आज। चलें चेक करें गाड़ी कैसी हो रही है अब आप लोग। सारा दिन का ये गर्मी, और उसके बाद तो ये देखें मट्टी मट्टी हो गया भाई सारा, ये हाल होता है यार। साइड चेक करें, पूरी हो गई है ऑरेंज। Later that same evening, आपकी लाडली जी वैगन, और जी वैगन का हाल देखो, जी वैगन के ऑनर का भी हाल देखो, क्या हो गया भाई तुम्हारे साथ? Yes, क्या हुआ, टट्टियाँ लग गई हैं? Yes, पेट खराब हो गया। ले भाई फाइनली आ गए हैं, बकर भाई आ गए हैं, सनरूफ। अच्छा, और दो दिन भाई कुछ नहीं कर सका। चलो कोई बात नहीं, इसलिए जी वैगन की अपडेट। यार लोगों ने बड़े कमेंट किए नीचे तुम्हें, है ना?
चलो कोई बात, पीछे रहा मेरे से दूर रहा साले। तो बॉयज अब जो सीन है वो है कि सनरूफ इसका लगा रहे हैं, सनरूफ ये देखें बैटरी की तारें देखे, अली साहब के शागिर्द दोनों लगे हुए हैं फुल टाइम मेहनते करने में, ये लग जाएगा सनरूफ, उसके बाद सीधा गाड़ी पैक कराओगे जाजे भाई? नहीं, फिर पीछे शीशे लगवाएंगे। अच्छा, छोटे मोटे और जो लीकेज वगैरह वो पहले चेक करेंगे। ठीक है बेबी, यहाँ इसके ना पाइप लगता है सनरूफ। अच्छा, ताकि बाहर का पानी वो बाहर की तरफ आए पानी, वो हम मंडे को जुगाड़ शुगाड़ लगा के वो करेंगे। गुड्डा, फिर यार छोटे मोटे अकबर से ना फिटिंग करवाएंगे तू बड़ा निखर गया भाई, टटियां कर करके गोरा हो गया पसीने आ गए। ये फिट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। चलें, बस हो गया काम साडा, निकली चलिए फिर। तो फर्दर नेक्स्ट इसके पाइप शाइप लगाने हैं, सनरूफ के साथ जो चलते हैं पानी जो बाहर लेके जाते हैं कुछ, बस अब इसका जो काम रह गया बॉयज़ वो पैकिंग रहेगी। रमज़ान में हमने इसके ऊपर बिल्कुल काम नहीं किया, रमज़ान में इधर उधर प्रोजेक्ट्स आप होता है माशाल्लाह बहुत आए हुए थे, ये था घर पे अपने, ये आएगा तो मैंने काम करना है, कल लेने तो मैंने करना नहीं जीवे पे काम। तो बस अब ये आ गए इंशाल्लाह, सनरूफ हो गया पैक हमारा, गाड़ी अंदर से पैक करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। अंकल ने भी बड़े मज़े के प्रोजेक्ट्स निकाले हैं, मस्टैंग निकाले हैं, मिनी वैन टाइप होती है वो निकाली है, बड़े मज़े के प्रोजेक्ट्स आप लोगों को देने वाले हैं हम लोग। तो साथ रहिएगा और इसके साथ साथ भाई आपको फिट से अपडेट देता रहेगा। ठीक है बॉयज़, आप लोगों का जो गिला था आज वो ख़त्म हो गया कि जी वैगन की अपडेट नहीं आई, जी वैगन की अपडेट आज आ गई। मैं किसी ब्लॉग के अंदर गुस्सा आ गया ना आप लोगों को ये दिखा, मैंने यहाँ से टायर देखा और मैं सीधा चला गया, क्योंकि पीछे कोई काम की गाड़ी है नहीं बॉयज़। पहला प्रोजेक्ट, मैंने खुद नहीं पता कि गड्डी है, अगे आ जाओ, नहीं नहीं आगे फुल आगे चलें, एक ही जीप है, थर्ड पे ये गाड़ी है जो कि बड़ी ख़ास गाड़ी है। अली भाई गैस करें कौन सी गाड़ी है, ज़रा आगे तक जाएं, साइडों पे दोनों तरफ सामान पड़ा हुआ। और अली भाई ये है मस्टैंग, हाँ जी मस्टैंग 80s मॉडल, आई थिंक सो 82 है Mustang, इसका क्या? एक कार्बोरेटर का आई थिंक सो कोई चीज़ मिसिंग है, बाकी सारा सामान अंकल के पास पूरा है। ये देखे बॉयज है कितनी लंबी, वो वहाँ से ली भाई, देखे टू डोर गाड़ी कभी इतनी लंबी देखी है? लेकिन बाहर निकालेंगे सारे प्रोजेक्ट्स लाइनअप करके ना आपको तैयार करके दिखाएंगे। ठीक है, वो एक मिनी वैन भी अंकल ने निकाली है, पता नहीं मिनी वैन कहते हैं क्या कहते हैं उसको, गेस्ट पेस वाले आप लोगों के लिए होंगे तैयार। यहाँ से अंदर से देखें, इसका भी सामान सारा पूरा पड़ा हुआ है अंकल के पास, इसको बस अब इन्होंने रेडी करना है और ऑन रोड लेकर आना है। तो अब जी वैगन के ब्लॉग से अंदर सिर्फ आपको जी वैगन भी मिलेगी, 3-4-5 ऐसी नामवर फिट सी गाड़ियाँ भी मिलेंगी। तो आपने भाई के साथ अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, आज तो असल में गुड मॉर्निंग हुई, आपको आंखों से पता चल रहा होगा। उसके साथ ही भाई आ गया सीधा सीधा बिलालगंज, और पीछे आपको अपनी K20 नज़र आ रही होगी, ये यार यहाँ से क्लियर होगी भी, सारे काम हो गए भाई इसके, पावर स्टीयरिंग हो रही है मेरे पीछे, फ्यूल फिल्टर कह रहा हूँ, फिल्टर लगा इसको हवा वाला जो होता है एयर फिल्टर। और आज जो हमने काम करने हैं वो है, इंट्रो में बता दूँ, शराट का पेंट बनवाना है और फिट सा, और उसके अलावा जी वैगन का काम करना है। और देखें यार दिन में और क्या क्या काम करते हैं कोई नहीं पता, हो सकता है हमें स्ट्रीट परफॉर्मेंस भी जाना पड़े, क्योंकि आज से हमारी क्रेसीटा पे भी काम शुरू होना है। तो इंट्रो यही चलेगा और होप सो आप लोग इस तरह से ब्लॉग को सपोर्ट करेंगे कि मैं सुबह निकलूँ और सारा दिन के काम आपको चेक कराऊँ। तो चलते हैं सीधा गाड़ी की तरफ, आपको दिखाता हूँ इसका क्या क्या काम हुआ है, फिर स्लोली स्लोली सारा दिन जीते जीते जाएंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे साथ में बॉयज। गाड़ी की तरफ आ जाऊँ तो बाहर से तो आप बहुत दफ़ा देख चुके हैं गाड़ी, अभी जो इसका काम हुआ है वो जी सारी फिटिंग शिटिंग सारी यस होगी, सरवा आप लोग देख चुके थे, सरवा लग गया हुआ है इसको। फर्दर इसका फ़िल्टर जो है वो लगाते हैं हम, तो ये इसके साथ टच बना था इसी फ़िल्टर यहाँ पे कस्टम मेड पूरा, ये पाइप बना के पूरा लोहे का इसके ऊपर पूरे क्लम दे के एक ही फ़िल्टर साइड पर लगा दी है। अभी इसकी प्रॉपर फिटिंग आई थिंक सो नहीं, इन्होंने प्रॉपर फिटिंग कर दी हुई, हल्का सा हिल रहा है इसकी कोई सेटिंग करते हैं प्रॉपर। और इसके ऊपर यार एक कोई चीज़ देनी है, जगह खाली खाली सी लग रही है, सजेस्ट कीजिएगा कमेंट्स में कि क्या करना चाहिए। जब इसके बाद बोनट बंद हो जाए हमारा तो फिर यस सीन है, कोई ऐसा कवर लेके इसके ऊपर पूरा ठोक देते हैं। तो अभी अंदर जो है काम हो रहा है, उसका पावर स्टीयरिंग इंस्टॉल हो रहा है, लगे हुए भाई अभी भी स्टार्ट किए इन्होंने, क्योंकि सर्वा हो गई, पावर स्टीयरिंग ना हो वो काम ख़राब है। अभी तो टायर बड़े छोटे छोटे से लगे हुए इसको, हमने इसको 14-15 के डाल देने तो स्टीयरिंग हार्ड हो जाना था। तो आज का जिसका काम है पावर स्टीयरिंग हो जाएगी, पावर विंडो पूछेंगे ऑनर से, अगर तो वो कहेंगे तो हम उनको पावर विंडो भी करते हैं, पावर बैक होगी गाड़ी, मार्केट वाला टापा जो रखा उसका मिल जाइएगा कि फिट करना चाहिए कि नहीं फिट करना चाहिए, कमेंट्स में भाई को बता दीजिएगा। बाकी जैसे जैसे काम होता है आपको साथ साथ अपडेट देता रहता है, ये पता नहीं क्यों E36 है ये,
अरे यार दिल को लगने वाली गाड़ी है, वेरी नाइस। ऐसी गाड़ी बिल्ड करे बंदा रियर व्हील के अंदर तो मज़े हैं। इसमें 2JZ GTE डालाओ, हाय 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 मज़े आ जाए। चले यार चलते हैं। बाकी तो इस बिलालगंज से आ गए और पहुंच गए अपनी शराड़ के पास। अब शायद आप लोगों को ये थोड़ी थोड़ी सी बेहतर लग रही है, मुझे तो यार बड़ी प्यारी लग रही है ये। इसको लगी बेस येलोइश करके है, कुछ येलोइश ब्राउनिश बेस है। ब्राइट इसको इसलिए रखा है ताकि जब ऊपर पेंट मारें तो येलो कलर जो है ना हमारा, वो जब ऊपर से लाइट पड़े तो वो ज़रा स्पार्क करे, थोड़ी सी शाइन दे। तो बाकी बेस लगी हुई है भाई, साथ साथ सारे इसके टक निकाल रहे हैं, कहीं कहीं पे गलती हैं तो वहाँ वहाँ पे पुटीने लगा के उसकी सेटिंग सारी की सारी कर रहे हैं। आज मुश्किल लग रहा है बॉयज़, फिर इंशाल्लाह कल ही इसको लेगा पेंट। तो अपने साथ आगे देखते हैं, हम लोगों ने जी वैगन के पास जाना है या हम लोगों ने अपनी क्रेस्टा के पास जाना है टर्बो, तो साथ रहें। A few moments later. सीन कुछ ऐसा है कि यार आप कहते होंगे लड़का यार दो दो तीन तीन टी शर्टें चेंज करता है यार, गर्मी बड़ी है, सुबह निकले थे गर्मी में, शाम को आके फिर शॉवर की है। अब आ गया जादिद भाई, क्या हाल है? Yes, guys, what's up? देखिए मैंने नई शर्ट ली है। हाँ इसको मुबारकबाद दे दो, नए कपड़े पहन लिए। अच्छा भाई सीन ये है कि आपको सारा दिन का मैंने सीन बताया था कि आज सारा दिन आपको साथ रखूंगा, तो जैसे कि आपको पता है कि हमने किधर रखेगा तू इन्हें यार, साथ यहाँ बिठाऊंगा कंसोल पे। अच्छा सीन ये आपको पता है कि हम लोगों ने टर्बो प्रोजेक्ट खोला है क्रेसिडा, ठीक है? नहीं नहीं मेरा RX-8 का। तो भाई तेरा भी खोल दूंगा इसके बाद। इस बीच में आ गई थी कॉल तो भाई ने कर दी थी वीडियो पॉज। हाँ जी भाई किधर जा रहे हैं फिर? यार हम जा रहे हैं स्ट्रीट परफॉर्मेंस गाड़ी देखने टर्बो। इस भाई ने अभी तक देखा नहीं ना। हाँ मैंने देखी नहीं, वो प्रोजेक्ट नहीं देखा। ये इजी सीन है, ये चिल रहता है। मैं चल रहता हूँ भाई, हम आगे देखेगा। तो यार इमरान करी जा रहा है, करी जा यार मैं करूँ भाई, एक ही बात है। तो बोल चलते हैं ले जाके, आपको अपडेट देते हैं अपने प्रोजेक्ट की, क्योंकि जो ऑनर्स हैं वो कह रहे थे भाई आपने हर चीज को फिल्म करना है। तो चलते हैं जाके दिखाते हैं आपको क्या काम चल रहा है अपने भाई के साथ, और उसके बाद इसने भी काफी सारी चीजें लेनी है। नहीं रहना भाई के साथ, इसने बिलालगंज भी जाना है, मैंने बिलालगंज जाना है, काफी सारे काम है अभी हमें। तो आपने साथ ये पहुंच गए हैं जी हम स्ट्रीट परफॉर्मेंस। ये सामने लगी भी रेहान की गाड़ी। वे हबीबी अभी आया वे, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। चलो भाई निकलते हैं, मिलते हैं। तो बॉयज पहुंच गए हैं हम लोग भाईजान वर्कशॉप, और जैसे कि आपको पता है रेहान की गाड़ी सामने ही लगी हुई है, सामने सामने इसकी गाड़ी लगी हुई मेरे भाई की। आई थिंक सो सेट हो गई होगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है जी भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ भी रेहान क्या हाल है भाई, फिट है? तब खैरियत है। हबीब भाई की मार्क है। हबीब भाई क्या चल रहा है गाड़ी का अब आपकी? यार ये गाड़ियों वाला सीन ऐसे ही है मेरी जान। हाँ जी दो लोगों सर 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 आपका प्यार है, आपका प्यार है, आपका प्यार। और रेहान साहब फिट है जानू? ये यार भाई हमारा अभी तक लगा हुआ है यार मेहनतों के ऊपर अपनी मार्केट्स के साथ, और ये अभी तक RX-8 आपको पता ही लगी हुई है, इसमें 2JZ GE स्वैप हुआ था। ये हबीब भाई ब्लॉगिंग करते हुए साथ साथ अपनी मार्केट्स की। अरे हाँ ब्रो ये कोई बात नहीं, मैं पकड़ लेता हूँ, ये वैसे ही मैंने लेके जाना है साथ। अच्छा हाँ वो ये वाला इंजन है जो उधर जाना है, मेरे ख्याल से सारे खुला पड़ा है ऐसे, क्योंकि लास्ट इन्होंने सबने देखा था कि वो पूरा इंटरकूलर ये वो हर चीज़ लगी हुई थी। तो हाँ जी भाई कितना टाइम उसके बाद हमें उस पर आपने स्लाइड्स देनी है फुल घुमा के? यार महीना लग गया है ना, महीना स्वैपिंग लगता ही लगता है। चलो बॉयज नेक्स्ट आएंगे इंशाल्लाह, ये इंजन बाहर निकला होगा उसमें जा रहा होगा, आपको वो दिखाएंगे। और खास बात आपको हबीब भाई से भी मिलवा दी है, उनकी गाड़ी भी दिखा रहे हैं, बाकी आप देख लें। अगर खुद भी आप देखना चाहते हैं तो आपके सामने है गाड़ी, वैसे तो नीट एंड क्लीन है हबीब भाई की माशाल्लाह, जैसे वो लेते हैं गाड़ियाँ और मॉडिफाई हो जाएगी अभी तो, इसका मैकेनिकल काम चल रहे हैं, देखते जाएं। मार्क एक्स गाड़ी साफ़ सुथरी है, पर हर किसी का माइंडसेट होता है कि यार अपने लिहाज से इसको मैं फुल लशपश करूं। अरे यार इसका क्या काम हो रहा है मार्क एक्स का अभी? इसका इंजन की पुलिस वगैरह डलनी थी, नहीं ट्यूनिंग सारी ऑयल चेंज। मैं देख रहा हूँ 3-4 दिन से तुम लगे हुए पूरा प्रॉपर। तो बॉयज अगर आप लोग, इसने बड़ा फिट किस्म का इसका काम किया, आप लोगों की भी कोई गाड़ी अगर फंसी हुई तो आप ला सकते हैं रेहान के पास, फिट करके देगा मेरा भाई। ब्रो इसके पटाखे ऑन किए हैं कि नहीं किए यार? इसको मैं ये कह के खींच के लेकर आया था, वो शो आ रहा है UMT वाला, हाँ उससे पहले करा दिया। UMT का आ रहा है कि UCP का आ रहा है ब्रो? UCP का है, हाँ UCP का शो है, उससे पहले पटाखे ऑन करा लो ना। तो बॉयज इंशाल्लाह UCP शो पे मिलेंगे हम लोग साथ साथ सारे भाई आपको।
यार अपनी RX 8 ले आ तू भी साले यार, उसको मैंने स्वैप करवाना है, उसे ऐप कराना है, आप लेके मैं टर्बो कराना है इसको मैंने स्वैप, ये ना वो हो गई है, हे हे हे, इसने ये देखा है ना, भी कह दिया कि मैंने करना है तो अब करना पड़ेगा, तो इसको भी बॉयस कीड़ा हो रहा है अपनी RX 8 को टर्बो करने का, तो इंशाल्लाह इसके बाद इसकी RX 8 को इंजन सारे काफी सारा स्टॉक आ रहा है। आप में से भी किसी ने अगर अपनी गाड़ी में 1JZ GTE टर्बो गाड़ी में इंस्टॉल करवाना है, रियर व्हील गाड़ी है, तो भाई का नंबर नीचे से ले लीजिएगा और कमेंट नहीं सॉरी भाई को व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर लीजिएगा, तो भाई आपको कर देगा आपकी गाड़ी तैयार। ये मेरा भाई हमारे मजे करवाते हैं, ये वाला देख लें आप, एक यहाँ पड़ा हुआ है, अगर ये इसको पसंद आता है तो इसको स्वैप करा देंगे। ये आता है ट्विन टर्बो के अंदर, इसको उन्होंने एक टर्बो लगाया हुआ है T71, ये दिल को लग रहा है तो बताओ मैं बात, पूरा आएगा RX 8 में, इसको इसकी RX 8 के अंदर टर्बो इंजन करा के देना है। क्रेसिडा का कोई नहीं, उसको किस्तों में 10,000 रुपये महीना दे देंगे। हाँ तो इतना तो हो गया। अच्छा तो बोल, बात ये हो रही थी कि क्रेसिडा का काम थोड़ा सा जो है मीन लाइक 2-4 दिन लेट क्यों हुआ यार, गाड़ियाँ काफी सारी खड़ी हुई, अभी भी हबीब आया हुआ और हबीब की गाड़ी को ये लगा हुआ है, ऑब्वियस ही बात है करके देना है, उसको छोटे मोटे काम है। अपनी गाड़ी का जो है ना हम लोग काम करेंगे फुल सुकून से, फुल तसल्ली से बॉयस, तकरीबन एक महीना खाएगी ये स्वैपिंग के अंदर, तो बाकी अब चलते हैं आपको बाकी काम दिखाते हैं। ब्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना बॉयस, और सब्सक्राइब कर दें, आपको फिट कंटेंट दे रहे हैं बॉयस, साथ रहें, सब्सक्राइब कर दो, इसका भी कर दो, कर दो यार, कर दो सब्सक्राइब।